हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। कैसे आप लोग, आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ गाइस, और हैप्पी दशहरा आप सबको हमारे तरफ से। क्योंकि आप लोग कहाँ कहाँ गए और देखे, प्लीज़ कमेंट करिए। और मैं तो कहीं भी इस साल नहीं जा पाई क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सो इसलिए मैं नहीं जा पाई। या बच्चे भी नहीं गए, कोई भी नहीं गया हमारा घर में। और मैं बाथरूम में गाना गा रही थी और मम्मी ने सुन लिया। तो क्या बड़ा बात हो गया, सुन लिया तो नहीं सुना। मैं तो गाना गाती हूँ, तुम लोग सुनते हो? हाँ, बेसुरा गाना मेरा और भी बेसुरा। और मैं तुम्हारा सुन दिया तो प्रॉब्लम हो गया क्या? नहीं, बोल हैप्पी दशहरा नहीं बोलेगी? हैप्पी दशहरा, हैप्पी दशहरा। क्योंकि सब लोग देखने गए, हम लोग नहीं गए, फिर भी अफसोस। देखेंगे मोबाइल में ही दर्शन दे देंगे, कोई भी रील्स छोड़ेगा तो माँ का तो दर्शन साल में एक बार लेना है, मतलब लेना ही है, लेना ही चाहिए, अच्छे है अपने के लिए। तो और क्या बोलूँगी। चलिए, मैं आज दशहरा है तो मैं बच्चों को क्या क्या बना के खिलाई तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या मैं बनाई है। तो चलिए, अभी हम खाना खाने का टाइम भी हो गया और मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, तो रही। सो गाइस, तो चलिए हम लोग अभी जा रहे हैं खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद अभी हम अभी मिलेंगे तो मिलेंगे, नहीं तो सोएंगे, नहीं तो सुबह मिलेंगे आप लोगों के साथ। तो अभी ठीक टाइम पे कॉल आ जाता है, जो मेरा ब्लॉग बनाया हुआ अभी वो डिलीट हो जाता है और सेव भी नहीं होता है। मुझे इसलिए गुस्सा आता है, बहुत बहुत लोगों को बहुत गुस्सा आता है। अच्छा अच्छा टाइम पे, बाकी फालतू टाइम पे कॉल नहीं करेंगे। और जिस दिन मैं ब्लॉग रील्स बनाऊंगी, ब्लॉग बनाऊंगी, उसी टाइम पे लोगों को कॉल करना रहता है। और जो जो लोग सुन रहे हैं ना, उन लोगों को सुधर जाओ, मेरे को ब्लॉग बनाते समय कॉल मत करो। अभी वैसे डांट पड़ा है उनको। हाँ, जो कॉल किया था उसको तो बहुत डांट पड़ा है, वो तो अभी देखिए कट कर दिया है। तो चलिए, मैं आप लोगों को खाना दिखाती हूँ मैं क्या क्या बनाई हूँ, लेकिन रेसिपी दे नहीं पाई इसलिए सॉरी, नेक्स्ट टाइम दे दूंगी। तो हम लोग तो सुबह खाया थोड़ा थोड़ा, कैसा लगा? बेस्ट बेस्ट ही लगेगा क्योंकि मैं बनाई हूँ और मुझे सब कुछ आता है बनाना, लेकिन बनाते नहीं, लेकिन बनाती नहीं क्योंकि उसमें बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत। दो आदमी नहीं होता है तो कभी भी खाना नहीं बनता है। तो ये जिस दिन छुट्टी छुट्टी में रहती है तभी मैं ऐसा कुछ बनाती हूँ। और मेरा बाबू तो एक भी हाथ लगाने वाला नहीं है, वो सिर्फ अंडा बनाएगा, पनीर अंडा वो सब। हाँ, उसको बस खाने के लिए दो बस, स्पेशल मैगी। सो गाइस, तो चलिए यहाँ पे चल रहा है बिग बॉस, और बिग बॉस देखते देखते मैं खाना खाऊंगी तो मैं और ब्लॉग बनाऊंगी नहीं, बस खाली दिखा देती हूँ आप लोगों को क्या क्या मैं बनाई हूँ। बच्चे भी खाने के लिए बहुत जगह है, जल्दी खाएंगे करके। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ क्या क्या बनाई हूँ। बाबू खोल, तो अभी खाना खा के सोएंगे और सुबह ही डायरेक्ट मिलेंगे आप लोगों के साथ। अभी और मिलेंगे नहीं, सुबह ही मिलेंगे। तो ऐसे ही मेरे ब्लॉग देखते रहिए, इंजॉय करते रहिए और मुझे ढेर सारा प्यार देते रहिए। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, देखते मेरा करके। ये देखिए पनीर, सो यहाँ पे है राइस, और यहाँ पे है पिठा जो मैंने बनाया था सुबह, और यहाँ पे है खीर जो मैं बनाया था सुबह, और यहाँ पे है पनीर और क्या लोबू मिर्च। देखिए देखिए, आज मैं इतना बनाया। और यह पिठा, तो देखिए बस इतना ही मैंने बनाया, पूरी बनाना रह गया है, वो भी बनाएंगे। सो गाइस, तो हाँ तले नहीं बस होती ऊपर बस हो है ना, झटपट तले बस खाई दो। सो गाइस, तो यहाँ पे देखिए मेरा पनीर राइस, और यहाँ पे है बाद में खाऊंगी इसको, और वहाँ पे है खीरी, और रहने दे बाद में खाएंगे इसको। ले ले झोल ले ले, ये मेरी लड़की का है और मेरा बाबू का उधर है, काट रहा है, और यहाँ पे मेरा है। ये हेलो बोल,
बेचारा थक जाता है गाइस, सुबह 6 बजे से उठ के ट्यूशन जाता है, 6 से 7:30 आता है, 7:30 8 बजे से स्कूल जाता है, 3 बजे आता है, 3 बजे से 3:30 बजे तक ट्यूशन जाता है, 3:30 से 10 बजे रात को आता है। मेरा लड़का कितना मेहनत करता है, और फेल हो जाएगा ना तो ओ माय गॉड। बोल भाई, मेहनत करता है कि नहीं? करता है करता है ना, जो भी बोली मैं राइट बोली ना? ये मेरे को कैसे देख रहा है, देखो हाँ बोल, करता है। करता है ना, ये रानी है, घर पे बैठे बैठे पढ़ाई करती है, मोबाइल में करती है ये, इसका तो यही है। ये ट्यूशन नहीं जाएगी बोलती है, नहीं तो इसको भी भेज हाँ देते, बट इसका फीस भी ज़्यादा ज़्यादा है और इसका मेहनत भी ज़्यादा है, फीस भी तो 4,000 है। और आता भी लेट है। हाँ सो गाइस, तो ये देखिए डांडिया चल रहा है, ये दुर्गा पूजा का दिन का था और ये मड़गांव का है, मड़गांव में जो मंडप बैठा था उसी का है, और पूरा रात ये लोग डांडिया खेल रहे थे और पूरा रात एंजॉय किए हैं जो भी, और ये मड़गांव का दुर्गा माँ को जहाँ बैठाए थे वहाँ का व्यू है ये, तो दुर्गा माँ का उधर तो जा नहीं पाया, बस यही दिखा देती हूँ आप लोगों को। सो हे गाइस, तो फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत करती हूँ, क्योंकि कल का वीडियो में देखे होंगे मैं रात को खाना खा के सो गई, तो अब सुबह मतलब बहुत काम किया और अभी फिर से मिल रही हूँ आप लोगों के साथ, तो ऐसे ही कंटिन्यू रही है ब्लॉग में। और अभी मीशो से मैं एक चीज़ ऑर्डर किया था, ये देखिए आ गया है, तो ये क्या है मैं आप लोगों को खोल के दिखाऊंगी, शर्माने का बात नहीं है ये, जो भी ये ब्लॉग देखेंगे तो प्लीज़ आप माइंड मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत ख़राब चीज़ नहीं है मैंने जो ऑर्डर किया था, क्योंकि बहुत ऐसा अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि मीशो में बहुत ही मतलब सस्ता मिलता है, इसके वजह से अभी दिवाली और दशहरा के वजह से ऑफर भी चल रहा था, तो इसके वजह से मैंने ऑर्डर किया, ज़्यादा कम रेट में मीशो में ही आता है, तो हाँ एक दो ऐसे ख़राब मिल जाता है, नहीं तो सब अच्छा ही रहता है। तो क्या मैंने ऑर्डर किया है चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, और मैं अभी खाना पका रही थी, नहा के कपड़ा धो के मतलब सब काम, सुबह मुझे बहुत मतलब बहुत काम रहता है, और डेली लादी पूछा करना, और डेली झाड़ू तो मारते ही है दोनों टाइम, बट कोई कोई ऐसे इतना बड़ा घर को मैं डेली पूछती हूँ बताइए, तो इसकी वजह से ज़्यादा काम हो जाता है मेरा। सो गाइस, तो मैं दिख रही हूँ ना आप लोगों को, देखिए मैं निकाल रही हूँ अभी क्या ऑर्डर क्या हूँ की हूँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, कट कर लेती हूँ पहला, बताऊं मैं आप लोगों को एक बात, जो मैंने ऑर्डर किया था वो नहीं मिला, और जो मैं ऑर्डर नहीं किया था वो आया है, तो बताइए अभी मैं इसका क्या करूंगी, मुझे ये नहीं चाहिए, बताइए गाइस, मैं ब्लैक और गोल्डन, नहीं सॉरी, ब्लैक और वाइट ऑर्डर किया था और आया है गोल्डन और रेड, बताइए मीशो में ऐसा होता है, इसकी वजह से कोई भी ऑर्डर नहीं करते हैं। सो गाइस, तो मैं आप लोगों को एक बात बता रही हूँ, सब लोग मीशो में रील्स ऑर्डर करके रील्स इंस्टाग्राम में डालते हैं, यूट्यूब में डालते हैं, मीशो में बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है करके मीशो से ऑर्डर कर करके सब रील्स डाल देते हैं, मीशो का ऐसा प्रोडक्ट अच्छा है, मीशो में सस्ता है, ये है वो है, लेकिन सब झूठ है। आज मैं आप लोगों को रियल दिखाती हूँ क्या है, जो मैंने ब्लैक एंड वाइट ऑर्डर किया था और मेरे को आया है गोल्डन और रेड, जो मुझे नहीं चाहिए ये ऐसा वाला मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मेरे पास है, लेकिन ये मैंने ब्लैक एंड वाइट ऑर्डर किया था, क्योंकि मेरे एक ब्लैक ड्रेस है उसमें पहनने के लिए मैंने ऑर्डर किया था,
और आया देखिए अलग। तो मैं आप लोगों को बस एक बताना चाहूँगी, मीशो में से आप कभी भी नहीं ऑर्डर करिए, क्योंकि मीशो प्रोडक्ट भी ख़राब है और ऐसे ही आता है, और घटिया घटिया माल है, घटिया। मेरा तो 200 रुपया पानी में गया, 100 100 दोनों का है। 100 100 रुपया में मैंने ये, मैं दुकान से लाती थी तो मुझे बहुत ही अच्छा मिलता था, मैं देख के लाती थी। ऑनलाइन ऑर्डर करना मतलब बहुत पछताना बात है। बताइए पैसा क्या पेड़ से आता है, ये लोग ऐसे करते हैं। और मीशो तो बहुत घटिया है, कभी भी मीशो से आप लोग ऑर्डर नहीं मत करिए। देखा अभी कैसा हुआ मेरे साथ। तो गैल सो चलिए गाइस खाना पका लेते हैं, क्यों फालतू फालतू टाइम वेस्ट करेंगे। जो मैंने ऑर्डर किया था वो तो आया नहीं, दूसरा आया है। अभी हम उसको रिटर्न भी करेंगे ना तो वो लोग बहुत लफड़ा करेंगे, मतलब रिटर्न के लिए कल ही आ जाएंगे। पैसा देने के लिए 15 20 दिन महीना भर लग जाता है, तो इसके वजह से मैं ऑर्डर कर तो दी हूँ, अभी रिटर्न नहीं डालूँगी, क्योंकि मुझे पता है मेरा फ्लिपकार्ट में भी 2 3 बार ऐसा हुआ है, जब रिटर्न डाली हूँ ना तो पैसा नहीं आया है, वो भी 1500 रुपया। पता है मैं मेरे हस्बैंड को बोला बोला ही नहीं है, उनको बोलती तो क्या करते पता नहीं, फिर भी ये ब्लॉग देख के उनको पता चल ही जाएगा, थोड़ा बहुत डांट पड़ेगा, क्योंकि वो हो गया है 3 4 साल हो गया है। तो चलिए अभी खाना बना लेती हूँ, लेकिन इतना रिक्वेस्ट करूँगी आप मीशो से कभी भी ऑर्डर मत करिए। मैं एक बार प्लाजो भी ऑर्डर किया था, बहुत ही घटिया क्वालिटी आया प्लाजो का। फ्लिपकार्ट में मैं ऑर्डर करती हूँ, कपड़ा बहुत अच्छा मिलता है, एक एक ख़राब मिलता है मानती हूँ, बट सब नहीं मिलता है ख़राब। लेकिन मीशो में मैंने 2 दिन 2 ऑर्डर किया है और 2 ख़राब मिला मुझे। तो आइंदा मैं कभी भी मीशो से ऑर्डर नहीं करूँगी, और जो करूँगी फ्लिपकार्ट और अमेजन से, नहीं तो खुद जाऊँगी मार्केट में और ख़रीद के लाऊँगी। तो चलिए कंटिन्यू रहिए, मैं पहला खाना बना लेती हूँ।